आपका फिर से स्वागत है एग्रीमैक यूट्यूब चैनल में। आज हम एक अलग से मशीन के बारे में बात करेंगे जो आपका खेती के लिए काम में आता है, प्राइमरी टिलेज में मेनली। इसका सारे खासियत और जो एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव यूज होता है उसके उसके साथ उसका तुलना करेंगे, क्या खास है क्या अलग है। इस मशीन को स्पेडर कहते हैं, तो इसका सारे डिटेल जानकारी आपको देंगे और किस किस हालात में इसको यूज़ करना चाहिए और क्यों चाहिए वो भी बताएंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम खेती कैसे करते हैं आजकल के ऊपर का जो 3-4 इंच का मिट्टी होता है, हम एक फसल उगा लिया उसके बाद वो मिट्टी को हम उसको हल करके उसी को जुताई करके उसके ऊपर फिर से हम फसल लगा दिए, तो ये अक्सर ऐसा प्रैक्टिस होता है। और इसको हम करते हैं या तो रोटावेटर चला लेते हैं सीधा एक फसल के बाद, या फिर हम टिलर चला लेते हैं, 9-10 हो या 11-10 टिलर हो, उसको 2-3 बार चला लेते हैं और लगता है वो हो गया। लेकिन ऐसे 1-2 बार हो जाता है लेकिन आपका ज़मीन जो आपका खेती का मूल पूंजी है उसका देखभाल सही देखभाल ऐसे नहीं होता है। उसको कैसे करते हैं कि 2-3 साल में उसका जो ऊपर का परत, मतलब 3-4 इंच नहीं, पूरा 1 फीट 12 इंच का परत को उलट पुलट करना चाहिए ताकि आपका जो खाद दिया हुआ है जो मिलता नहीं है फसल को और नीचे चला जाता है वो भी ऊपर आ जाए और मिट्टी का हेल्थ भी थोड़ा बना रहे। तो इसके लिए हमको 2-3 साल में एक बार 12 इंच का जैसे मिट्टी को हम उलट पुलट करने के लिए कुछ मशीन चलाना पड़ता है, जैसे एमबी प्लाव है, मोल्ड बोर्ड प्लाव, उसका कैपेसिटी वो भी एक लगभग 1 फुट तक नीचे का काम कर लेता है, या फिर डिस्क प्लाव, मिट्टी के हिसाब से डिस्क प्लाव भी आपको चलाना चाहिए। तो एमबी प्लाव या डिस्क प्लाव दोनों ही लगभग एक ही तरह काम करते हैं, वो मिट्टी को 1 फुट के नीचे से उखाड़ के उसको परत दर परत उसको पलट के छोड़ देते हैं। तो उसी काम को करने के लिए एक नया मशीन आया है जो मैंने स्पेडर बोला था, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी ये जो मशीन हो गया आपका एमबी प्लाव या डिस्क प्लाव, उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर खींचता है उसको और घिसके वो चलता है और मिट्टी को काट के पलटता है, तो इसमें ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो उसी को देख के एक नया मशीन आया है कि उसी का समाधान हो जाए। उस मशीन का काम करने का तरीका कुछ अलग से होता है, वो खींच के चलाता नहीं है, मिट्टी को खींच के उखाड़ता नहीं है, मिट्टी को काट के उखाड़ता है। तो वो जो एक काम करता है तो उसके लिए ट्रैक्टर के ऊपर जोर ज़्यादा नहीं पड़ता है, ट्रैक्टर को वो पीछे की तरफ खींचता नहीं है जैसे एमबी प्लाव और आपका डिस्क प्लाव करते हैं। ये क्योंकि मिट्टी को काटता है तो ट्रैक्टर को ऐसे आगे को धकेलता है, तो ट्रैक्टर के टायर के ऊपर इंजन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जो स्लिप होता है आप देखे होंगे तो ट्रैक्टर का स्लिप भी नहीं होता है और आराम से चलता है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा स्पीड कम में चलता है लेकिन वो मिट्टी को अच्छे से काट काट के निकालता है, घिस घिस के नहीं जैसे एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव करते हैं। तो इसका काम ऐसा होता है कि ये जो आपने फावड़ा देखा होगा या कुदाल कहते हैं, उसी में जैसे मिट्टी को हम एक एक लेयर करके या एक एक ढेला करके निकालते हैं, तो उसी हिसाब से ये जो आपका स्पेडर है उसमें भी ऐसे कुदाल जैसा होता है ब्लेड्स, और वही ब्लेड मिट्टी को काट काट के ढेला बना के निकाल के देते हैं। तो उसी को हम डिटेल में दिखाएंगे आपको कैसे करता है। तो इसीलिए ये आपका एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव दोनों के काम करने के तरीके से बहुत अलग है। अब हालांकि आपका जो ज़रूरत है वो सेम है लेकिन इसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, और इसी को हम ये देखिए आपको दिखाते हैं कैसे ये चलता है। इसका ऊपर का कवर खोल दिया है ताकि आप देख पाएँ कि ये कैसे चलता है। तो इसमें आप देखिए इसका जो ढेला है वो आपका और आपका डिस्क प्लाव हो या एमबी प्लाव हो उसमें एक लेयर आ जाता है, एक
आपका लेयर करके वो मिट्टी को छोड़ता है, वो ढेला छोटा छोटा ढेला बना तो नहीं है, लेकिन ये इसमें ढेला बहुत छोटा है, तो ये अच्छी तरह मिट्टी को काट के ले लेता है। और डेप्थ के बारे में अगर आपको बात करेंगे तो ये भी आपका एमबी प्लाव, डिस्क प्लाव हो या उससे ज़्यादा, ये डेप्थ तक काट के मिट्टी को आपका ढीला और ढेला बनाता है। तो ये क्वालिटी हिसाब से इनमें से बेहतर है एमबी प्लाव, डिस्क प्लाव से, और काम के हिसाब से भी इनमें से अच्छा काम कर लेता है। ये देखिए लगभग एक फुट से ज़्यादा तक मिट्टी को इसने काट लिया है, और इसको थोड़ा हम आपको अभी स्लो मोशन में दिखा सकते हैं कि ये कैसे मिट्टी को काटता है। देखिए पीछे की तरफ मिट्टी को काट के धकेलता है, इसीलिए ट्रैक्टर को आगे की तरफ धकेलता है, तो ट्रैक्टर में स्लिप नहीं होता है और इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है। तो इस टाइप का मशीन आजकल मार्केट में नया नया है, दूसरे देशों में तो ये यूज होता है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी नया नया आया है और कम चल रहा है। लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी भी इंटरेस्ट होगा। तो इसके बारे में एक लीफलेट मैंने अभी देखा रहा हूँ, आपको उसके बारे में एक मोटा मोटी जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप इस लीफलेट को थोड़ा पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और उस मिट्टी के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना है, कंपेयर किया है एमबी प्लाव, डिस्क प्लाव और स्पेडर के बीच में, तो वो थोड़ा देख लीजिए। उसमें मैंने थोड़ा सा जो हाईलाइट किया है वो किसका एडवांटेज ज़्यादा है वही बताया है मैंने। तो विड्थ ऑफ कट जो है, मतलब जो कितना चौड़ा में कटता है, तो एमबी प्लाव थ्री बटम एमबी प्लाव हमने ऐसा लिया है कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कि सबका विड्थ ऑफ कट या चौड़ा कितना चौड़ा काटता है वो सेम रहे। तो एमबी प्लाव थ्री बटम एमबी प्लाव हो या फोर बटम डिस्क प्लाव हो या फोर बटम आपका स्पेडर हो गया, उसमें सारे लगभग एक मीटर या तीन फुट से ज़्यादा काट लेते हैं, इसीलिए उस लेकिन उसमें तीन फुट से ज़्यादा काटने वाला डिस्क प्लाव और स्पेडर है। डेप्थ ऑफ कट जो बोला था मैंने, डेप्थ ऑफ कट सारे एक फुट तक आ जाते हैं वजन में, लेकिन एमबी प्लाव थोड़ा अच्छा है, कम वजन वाला है, 350 केजी के आसपास सारे उसका गैंग वैंग वो सारे फ्रेम मिला के, लेकिन स्पेडर और डिस्क प्लाव उनका 500 केजी है। और ट्रैक्टर एचपी जो रिक्वायर होता है, ये सबसे खास बात है, जैसे बोला था कि स्पेडर ने ट्रैक्टर के ऊपर लोड बिल्कुल कम देता है, बिल्कुल जितना चाहिए उतना देता है, लेकिन एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव दोनों ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, ट्रैक्टर स्लिप होता है, इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उसी कैपेसिटी का एमबी प्लाव चलाने के लिए 65 एचपी के ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, डिस्क प्लाव में 85 से भी ऊपर चाहिए, लेकिन स्पेडर में देखिए लगभग 45 मतलब आधा के करीब पावर में वो आ जाता है। यही इसका बहुत ज़्यादा बड़ी खास बात है, क्योंकि ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में जो आपका खर्चा है वो बच जाता है। और स्पीड ऑफ ऑपरेशन लेकिन एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव में 1.5 से 2 किलोमीटर पर आवर में जाता है, जो कि स्पेडर में थोड़ा सा कम होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर पर आवर, इसी में थोड़ा उसका दिक्कत है। और कॉस्ट क्योंकि नया है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन प्लाविंग क्वालिटी जो ऐसे मैंने आपने बताया जो ढेला बनाने का उसका क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है आपका डिस्क प्लाव और एमबी प्लाव के कंपैरिजन में। तो ये था कुछ जानकारी, ये स्पेडर के का व्यवहार के लिए भी सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो है, कैसे लेवल करते हैं काम करने से पहले वो हो जाता है, और उसका डेप्थ कितना कंट्रोल करना चाहिए उसका भी सूज दिया गया है, उसको एडजस्ट करके आप उसका डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं।